हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जन्माष्टमी है एंड वी हैड द किड्स अपॉइंटमेंट बिकॉज आज के दिन ही हमें स्लॉट चाहिए था। रीज़न कि आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, वरना जो भी स्लॉट्स मिलते हैं दैट्स व्हेन द स्कूल इज गोइंग ऑन एंड वी कांट टेक अ लीव। हम लोग नॉर्मली बच्चों की छुट्टी नहीं मारते। सो आई एम बैक फ्रॉम अ क्विक वॉक। आई डिड अ 1 आवर अराउंड 7 किलोमीटर्स वॉक और फिर मैं वापस आ गया बिकॉज अभी हमें निकलना है 8 बजे। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे एंड आई कीप यू पोस्टेड हाउ इट गोज विद द PSK एट द PSK जो घर से ऑलमोस्ट आधा घंटा दूर है। ये एक नया PSK है तो लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस। तो मैं ICICI में आधार कार्ड अपडेट करवा के आता। आप पासपोर्ट ऑफिस मत है, TCS करने कंपनी है, ये मैनेज करें। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं। इट शोज जस्ट 20 मिनट्स। ये है सुबह का फायदा। कल रात में जब मैंने देखा था लोकेशन तो इट वॉज शोइंग 30 मिनट्स बट नाउ इट इज जस्ट 20 मिनट्स एंड दैट्स बिकॉज देयर इज नॉट ट्रैफिक। ऊपर से जन्माष्टमी है तो बेसिकली ट्रैफिक मतलब स्कूल के बसेस नहीं, ऑफिस वाले लोग तो फिर भी काम करने जाएंगे ही। इन शैतानी बच्चों को छुट्टी मिल गई है तो दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। आई विश हर दिन कोई भी जगह जाना हो तो इतनी जल्दी पहुंच जाए। 14 किलोमीटर्स एंड 19 मिनट्स। सो गाइज हम लोग पहुंच तो गए हैं, वी आर सुपर अर्ली। सो या आई लेट कीप यू पोस्टेड। गाइज दिस इज माय थर्ड पासपोर्ट हियर, सो लेट्स गो। सो टोकन नंबर दे दिया है व्हिच विल बी शोन हियर एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल गो इनसाइड एंड काफी स्पेशियस है। फाइनली डन विद द पासपोर्ट और अभी हम लोग आए हैं बच्चों को सॉफ्टी लेने। सो गाइज फाइनली पासपोर्ट रिन्यूअल का काम खत्म। इट टुक मोर देन 2 आवर्स और मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा मेस था ये। जितना हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कि पासपोर्ट ऑफिसर्स अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं TCS के बाद तो बहुत मस्त होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था भाई। इतना मेस था, इतने लोग थे, बिल्कुल मैनेज नहीं था। 9 बजे का अपॉइंटमेंट, हम लोग 9:45 से पहले ही पहुँच गए थे। हम लोग भी वेटिंग देयर बट स्टिल नो। एंड इफ़ यू हैव चिल्ड्रेन विथ यू भाई एटलीस्ट कोशिश ऑप्शन होना चाहिए कि बंडल करो दोनों फाइल को एक साथ, एक जगह यहाँ पे बुला रहे हैं एक वहाँ पे बुला रहे हैं और विच आर स्टिल ओके। बट मैंने तो किसी तरह से मैनेज कर दिया। बट थिंक अबाउट दोज पेरेंट्स जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं यार, बहुत ही मेस है यार। आई एम श्योर हर जगह ऐसा नहीं होता है, मैं ब्लैंकेट ये नहीं बोल रहा हूँ, बट हर जगह हम अच्छा ही सुनते हैं इसीलिए हमें लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस का काम बहुत ही आसान आराम से हो जाएगा। बाय द वे व्हाट आर योर थॉट्स गाइस? देयर आर लाइक मेनी पीपल देयर एंड इट वाज सो डर्टी एट द ग्राउंड। Okay, according to yeah, anything else? They didn't make like anything. They didn't form a line. They were just like hitting each other and going. Okay, so GS complaint is that they were not in a nice group or form. I feel that the entire area was completely messy. I'll just say that. ओके सो आई मीन मेरा ओपिनियन भी इसी के बेसिस के ऊपर आया था कि भाई वी हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट दे डिडंट टर्न आउट टू बी ग्रेट। बट देन प्रॉब्ली सेंटर ऑल्सो, कभी कभी कोई कोई सेंटर में ऐसा हो जाता है। एनीवे वहां से हम निकले और वी वेंट टू अ स्मॉल ब्रेक एट मैकडी बिकॉज किड्स वर लिटिल टायर्ड। 2 घंटे तक सब खड़े ही थे, कभी कभार 5 मिनट के लिए चेयर मिल रही थी, बढ़ना तो मतलब सिर्फ खड़े ही रहो 2-2.5 घंटे तक। सो दैट्स द रीजन दीज फीडबैक्स कम आउट। एनीवे सो हम कहीं भी जाए सो जाता है गाड़ी में, कहीं भी जाओ। के छोटा सा इश्यू हो गया, डिवाइडर को गाड़ी ने बहुत ही सॉलिड तरीके से अभी टच किया बट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज ओके फॉर नाउ। आई डोंट नो क्या हुआ, पूरी गाड़ी चढ़ गई थी वहाँ पर, एक ट्रैफिक जाम हो गया था बेसिकली और इस तरह से गाड़ियाँ रिवर्स आ रही थी एंड बिकॉज समवन केम सुपर क्विक रिवर्स मुझे साइड हटना पड़ा और गाड़ी बम्पर के ऊपर चढ़ गई। सडनली चिराग उठ गया बिकॉज ऑफ द होल लिटिल इंसिडेंट। गाड़ी जो सडनली आ गई यार, मतलब पता भी नहीं चला क्या हुआ बट एटलीस्ट गाड़ी को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिराग पूरा ही उठ गया और शॉक में आ गया कि हुआ क्या। इसीलिए गाड़ी में सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया गाइस, आप लोग जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बता देना,
आफ्टर द होल पासपोर्ट रिन्यूअल थिंग, लास्ट में काउंटर डी टाइप का एक होता है जहाँ पे ना वो लोग एक सर्वे का फॉर्म देते हैं. इट वॉज काइंड ऑफ कंपल्सरी, सब लोग उसके अंदर डिटेल्स भर रहे थे. नाउ माई क्वेश्चन इज बेसिकली, उसके अंदर आपको आपके डिटेल्स डालने हैं, अप्लीकेशन नंबर डालना है, सब कुछ डालना है, और उसके बाद आपको सारा आपका फीडबैक देना है. अब क्या आपको भी लगता है कि भाई अगर मैं ये डिटेल्स दे दूंगा और उसके अंदर अगर आपने सब कुछ लिख दिया कि भाई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, आई डिडेंट, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट एंड ऑल द स्टफ, अगर आप अपना जेन्युइन फीडबैक दोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपके पासपोर्ट के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, रिन्यूअल के ऊपर भी होता है काफ़ी बार. मतलब रेस्टोरेंट्स भी वही करते हैं भाई, आपको फोर्सफुली बोलते हैं कि रिव्यू करो अभी के अभी करो, हमारे सामने करो, फाइव स्टार दे दो. तो भाई अगर जेन्युइन रिव्यू होगा तो घर जाके भी मिल जाएगा. व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. शाम के 5:30 बज रहे हैं गाइज, और मैं निकल गया हूँ थोड़ी वॉक करने, बिकॉज द होल फैमिली हैज़ गॉन फॉर सम जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस अपने हमारे फैमिली फ्रेंड के घर. तो मैं अपने हिसाब से अपने वॉक पे निकल गया हूँ. आई जस्ट थॉट आई नीड टू क्लियर अप सम थिंग्स इन माई माइंड, और मुझे एक दो वीडियोज़ भी देखने थे, तो मैंने कहा भाई चलते चलते वीडियोज़ देख भी लेंगे. सो इसलिए मैं आज हेडफोन्स भी लेके आ गया. बहुत मज़ा आ गया अकेले वॉक करने में. गॉट टाइम टू वॉच सम वीडियोज, अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड समथिंग. मैं किसी चीज़ में काम कर रहा हूँ विच आई एम लिटिल बिट मोर पैशनेट अबाउट, विच आई एम थिंकिंग, सो तो उसी के लिए मैं वॉक करते करते उसे देखने गया था. सो गाइज, दैट वॉज अ टायरिंग डे. आज के दिन हमने एक ही काम, अच्छा काम जो है, इम्पॉर्टेंट काम, वो कंप्लीट किया, दैट्स अ पासपोर्ट रिन्यूअल. और इसके अलावा इट वॉज जस्ट अनदर डे इन माई लाइफ एंड दैट वॉज बींग रिकॉर्डेड एंड शेयर विद यू गाइज. अगर वीडियो पसंद आया तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के डेली ब्लॉग्स के लिए. मैं हूँ अमित और मैं आपसे मिलता हूँ हमारी अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.